दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर नेक डिजाइन कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज की वीडियो में ब्लाउज के नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए मैंने लेस लिया है और कुछ ये पिंक कपड़ा लिया है, ये गोल्ड क्लॉथ लिया है और देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है। ये लाइनिंग है, ये हमारा ब्लाउज है। तो सबसे पहले डिजाइन हम लाइनिंग पर कट कर लेते हैं, उसके बाद ब्लाउज पे। तो देखिए इसकी लंबाई 14 इंच ली है मैंने और जो इसका साइज है हमारा ये 32 साइज का ब्लाउज है और हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसमें डिजाइन जो है हमारे पैच आएंगे ये दो कलर के। अभी देखिए हम जो ब्रॉड ले रहे हैं यहाँ से 3.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि 1 इंच का हमारा यहाँ पर पैच आ जाएगा। तो देखिए इसमें पैच आएगा उसलिए हमने ये 12.5 इंच लिया है। थोड़ा सा नीचे से ब्रॉड आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये सीप आएगी। सेम ड्राफ्ट को कट कर लेते हैं। तो कैनवास कट कर लेते हैं और नेक पट्टी। तो देखिए मैं इसमें पाइपिंग दूंगी, तो मैंने ये गोल्ड कलर यूज कर रही हूँ इसमें। अगर आप पाइपिंग नहीं दे रहे हैं तो अपना ब्लाउज का कलर का ही यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा ऊपर की तरफ कम पड़ेगा तो यहाँ पर जॉइंट। तो देखिए अभी इसको तैयार करने का तरीका बताती हूँ। नीचे मैंने पट्टी रख लिया, ऊपर जो कैनवास रख लिया और हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे जब ये तैयार हो जाएगा। और अभी आपको ब्लाउज को बताती हूँ ब्लाउज को कैसे तैयार करें। तो देखिए ब्लाउज को हम इस तरह से उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखने के बाद लाइनिंग के साथ पहले ब्लाउज को पूरा सेट कर लेंगे। जब ये सेट हो जाएगा नेक को कट कर देंगे और जो नेक पट्टी तैयार करेंगे हम इसे इसकी फिनिशिंग देंगे। ये फिनिशिंग हो जाने के बाद अभी हम यहाँ पे पैच डालने वाले हैं, तो उसके बारे में कटिंग के बारे में बताती हूँ। तो देखिए जो हमारा ये ड्राफ्ट है इसी को रखते हैं हम। तो देखिए ये जो गोल्ड कलर है इसमें मैं स्ट्रेट पट्टी डालूंगी। तो मैं आपको लाइनिंग का ड्राफ्ट दिखा देती हूँ। तो देखिए जो ये ड्राफ्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये पैच आएगा तो वो गोल्ड कलर का रहेगा और जो नीचे हम डालेंगे ये पिंक कलर का डालेंगे। तो इसकी लंबाई हमको लेनी है। जैसे हमारा पैच यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे देख लें आपको कितना डीप चाहिए नेक। जैसे आप इसमें टोटली आपको ये पॉइंट जो है 4 इंच चाहिए तो इसमें आप 3 इंच का यहाँ पर पैच ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से फिर इसके सेप देंगे। तो मैं पहले आपको स्ट्रेट पट्टी बताती हूँ। तो यहीं से हम जो हमारा स्ट्रेट पट्टी आएगा वो यहाँ तक आएगा, ये जो पार्ट है ये स्ट्रेट पट्टी रहेगी। तो पहले हम स्ट्रेट पट्टी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पार्ट देख लेते हैं, जैसे 10 आ रहा है और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो 11 इंच में कट कर लेते हैं। तो ये बचा हुआ कपड़ा है साइड से कट कर देते हैं। तो जो पट्टी हम लेंगे वो 2 इंच चौड़ी ले लें, तो मैं इसमें से 2 पट्टी निकाल लूँगी। तो 4 इंच का एक पीस कट कर लेते हैं क्योंकि फिनिशिंग भी देंगे। तो देखिए 2 इंच हमने ले लिया है डबल फोल्ड में। अब इसमें से 2 पार्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम एक साइड में इसकी जो पाइपिंग देंगे उसके लिए भी कपड़ा कट कर लेंगे। तो पाइपिंग जो है मैं पिंक कलर की दूंगी यहाँ पे, तो इसमें से पिंक कलर यूज कर लेंगे। तैयार करने का तरीका बताती हूँ। नीचे मैंने लाइन रख लिया, उसके ऊपर जो कैनवास कट करी है मैंने स्ट्रेट पट्टी इसको रख लिया है और जो हमने ये पट्टी कट की थी इसको रख लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे मैंने बताया इसका पाइपिंग के लिए मैं कट कर लूँगी, फिर उसे एक साइड में पाइपिंग देंगे, दूसरी साइड हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा फिनिशिंग के लिए। खाली इसको नॉर्मल स्टिच कर लेंगे चारों तरफ से। इसी तरह दोनों साइड के पीस हम तैयार कर लेंगे। ये तैयार हो जाने के बाद अभी हम बात करते हैं पैच की, जो नीचे हम पैच लगाने वाले हैं तो उसकी कटिंग करते हैं।
तो देखिए हमने कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, इस तरह से हम लेंगे पैच यहाँ पर। देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया था सेम हमने उसी तरह से फोल्ड कर लिया है, और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं क्योंकि हमको इसमें फिनिशिंग के लिए भी चाहिए। तो यहाँ से स्ट्रेट हम 1 इंच ले लेते हैं। 1 इंच लेने के बाद फिर इसकी यहाँ पे हम गोलाई कर देते हैं। तो ये जो हमारा ये तैयार में पट्टी रहेगा, ये हमारा 3 इंच नीचे कमर रहेगा। आपका कमर आपको ज़्यादा रखना है ये पट्टी, तो आप इसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे ये तैयार में आप देखेंगे तो 2 इंच का पैच हमारा यहाँ पे साइड में आएगा। तो इसको हम कट कर लेते हैं। इसी ड्राफ्ट को यूज कर रहे हैं सेम इस तरह, तो इसी ड्राफ्ट को रखे मैं नेक पट्टी कैनवास दोनों कट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ये पट्टी मैंने कट की थी, मैंने कैनवास के साथ सेट कर लिया है, और जो ये पट्टी हमने कट की थी साइड में पैच लगाने के लिए, नीचे लाइनिंग है, बीच में कैनवास है, ऊपर हमारा पैच कपड़ा है। और ये मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी स्ट्रेट कट कर ली है, जो कि हम इसमें पाइपिंग देंगे। तो सबसे पहले ये पीस तैयार कर लेते हैं, और देखिए नीचे ये पट्टी सेट कर लिया, जो नेक था वो भी कट कर दिया, और ये पट्टी भी तैयार कर दी है। अब यहाँ से लेके हम इसकी नेक की फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए ये पैच भी मैंने तैयार कर लिए दोनों, और ये पीस भी हमारा तैयार हो चुका है। और हमारा भी ये वाला पीस है, ये भी मैंने यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक स्टिच कर दिया, और इसको पलट कर फिनिशिंग देते हैं, फिर सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने ये लेस भी लगा दी है, और जो हमने पैच तैयार करे थे साइड के, अभी उन पैचों को हम यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर देते हैं दोनों साइडों में, उसके बाद फिर ब्लाउज में अटैच करेंगे। देखिए ये पैच हमारा तैयार हो चुका है, और अभी हमारा जो ब्लाउज है, अभी हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। देखिए जितना ये पैच चाहिए आपको उस हिसाब से, और यहाँ पे इस तरह से पहले पिन से सेट कर लेते हैं, और फिर स्टिच डाल के इसको सेट कर देंगे। तो इसको पहले बीच में बीच इसका भी मेजरमेंट ले लें, और इसका भी मेजरमेंट लें, जिससे क्या है कि आपका जो पैच है पूरा डिजाइन बराबर से सेट हो चुका है। तो यहाँ से हम इसका एक पॉइंट ले लेते हैं इस तरह से फोल्ड करके, और हमारा इसका पॉइंट है ब्लाउज का। अब इन पॉइंटों से इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। तो एक पिन हम नीचे लगा देते हैं, और देखिए जैसे हमने बोला था हम 1 इंच का ही पैच लगाएंगे, तो 1 इंच हम इस साइड में यहाँ पर सेट कर लेंगे। और सेम 1 इंच का हम दूसरी साइड में भी सेट कर लेते हैं, और जो ये पैच की लंबाई है उसको ऊपर की तरफ निकाल देंगे, कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये पिन से सेट कर लिया। अभी हम यहाँ से लेके पूरा पहले इसको स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद सेम जो लेस हमने यहाँ पे यूज़ की है, और इस लेस को हम यहाँ पे किनारे पे पूरे नेक में अटैच कर देंगे। तो देखिए ये पैच भी हमने अटैच कर दिए थे, और ये लेस भी हमने इस तरह से लगा दिया है, और ये डोरी लगा दी है मैंने, और देखिए कपड़े के इस तरह के टसन लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक,
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।